बिहार के सेंदा रोड स्थित भंडारी पेट्रोल पंप के समीप चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कथा के दौरान जैसे ही कृष्ण जन्म का प्रसंग आया और झांकी का सजीव चित्रण किया गया। पूरा पांडाल हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नंद के घर आनंद भयो जय जयकारों से गूंज उठा। कथा के दौरान वृंदावन धाम के कथावाचक शिवम कृष्ण महाराज व्यासपीठ से कथा का रसपान करवाते हुए कहा कि जीवन में कठिनाई आना परेशानियां आना जीवन का हिस्सा है। हमें सुखों की भांति दुखों को भी मुस्कुराते हुए पार करना चाहिए, यह जीवन की कला है। उन्होंने कहा कि इस काल भागवत प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन हरि नाम है, इसलिए काम करते करते जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए हर पल हर समय भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। भागवत का श्रवण भी कई जन्मों के पुण्यों के उदय के बाद प्राप्त होता है। कथा के दौरान प्रहलाद चरित्र वामन अवतार की कथा का विस्तार से वर्णन किया। इसके बाद मथुरा नरेश भगवान श्री कृष्ण के जन्म के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया तथा कृष्ण जन्म की आकर्षक सजीव झांकी सजाई गई तथा पांडाल को गुब्बारों आदि से सजाया गया। जैसे ही देवकी नंदन बने भक्त श्री कृष्ण को लेकर पांडाल में पहुंचे तो पूरा पांडाल श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान कथावाचक के दौरान मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई जिस पर पूरा भक्तगण आनंदित हो उठे। अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्र अत्याचारों से पृथ्वी बहुत दुखित हो गई है तो गाय का भेष धारण करके ब्राह्मणों के साथ क्षीर सागर में जाकर पृथ्वी ने स्तुति करी, तेरी मृत्यु का कारण बनेगी।